नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लखफंडोज। आज की अपडेट है बड़ी, क्योंकि आज की अपडेट है सुपरस्टार सलमान खान को लेकर। भाई साहब, सुपरस्टार सलमान भाईजान इस टाइम पर थोड़ा गिरे हुए हैं। लोग बोल रहे हैं कि वो रडार पर हैं लॉरेंस बिश्नोई के, लेकिन अभी उनके पिताजी का इंटरव्यू आया है। उन्होंने कहा है कि मेरे बच्चे ने एक कॉकरोच भी नहीं मारा। उन पर बहुत सारे केस हैं, बोलते हैं कि उन्होंने हिरन मारा है, उन्होंने कुछ फुटपाथ के लोगों को उड़ाया है। तो उनके पिताजी का अभी इंटरव्यू हाल ही में आया है। उन्होंने कहा है कि मेरे बच्चे ने कॉकरोच तक नहीं मारा है, फिर मेरे बच्चे के पीछे लोग क्यों पड़े हैं। तो भैया, इस मामले का तो मुझे नहीं पता, लेकिन आज जो खबर लेके आया हूँ वो है सिकंदर फिल्म पर। अगर आप लोग सलमान भाईजान जी के फैन हो तो आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो है, आप लोग देखते रहिएगा। NCP नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से ही सलमान खान की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। सलमान के साथ साथ उनके घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के आसपास की सिक्योरिटी भी टाइट कर दी गई है। सलमान ने बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद अपने सभी शूट्स कैंसिल कर दिए थे, जिससे सिकंदर के शूट पर असर पड़ने की खबरें आ रही थीं। अब हिंदुस्तान टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है कि सलमान के मैनेजर ने इन सभी खबरों को गलत बताया है। सोर्स के हवाले से रिपोर्ट में लिखा गया है कि अभी एक या दो दिन का शेड्यूल आगे पीछे हुआ था, लेकिन ऐसा कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ। हो सकता है आगे भी शेड्यूल थोड़ा इधर उधर हो जाए। शूट पहले नवंबर दिसंबर तक ख़त्म होने वाला था, वो अब जनवरी फरवरी में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन सेफ्टी सबकी पहली प्रायोरिटी है। तो भैया, सेफ्टी के साथ शूट करेंगे हमारे सलमान भाईजान इस सिकंदर के शूट को। और भाई, जो कांड कर रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई के लोग, अगर ये भाई कर रहे हैं बहुत ही गलत कर रहे हैं। बाबा सिद्दीकी बहुत ही अच्छे आदमी थे, सलमान भाईजान जी के मित्र थे, और मुझे नहीं लग रहा है कि ये जो भाई सही भी हो रहा है कुछ, और पुलिस को इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। और आप लोग सिकंदर फिल्म का भाई कितना वेट कर रहे हो? सिकंदर फिल्म आपको 2025 में ईद पर देखने के लिए मिलेगी। सलमान भाईजान ने भाई अनाउंसमेंट किया था, और ये सलमान भाईजान की बहुत ही बड़ी फिल्म है। आपको इसमें कुछ नयापन देखने के लिए मिलने वाला है, क्योंकि ये साउथ में फिल्म बन रही है। साउथ में इस टाइम पर दो लोग फिल्में बना रहे हैं। पहले हमारे सनी देओल जी जाट मूवी नाम से भैया बना रहे हैं अपना एक मूवी, और जो हमारे सलमान भाईजान है ये भी भाई सिकंदर फिल्म बना रहे हैं साउथ में। इसके डायरेक्टर हैं AR मुरुगदासन। भैया, AR मुरुगदासन जानते हैं आप किस किस्म के डायरेक्टर हैं? भैया बहुत ही फाड़ मूवी बनाते हैं। और आपको सिकंदर में रश्मिका मंदाना देखने के लिए मिलेंगी हीरोइन के रोल में, यानी जो भैया हमारे सलमान भाईजान हैं उनकी करत के रोल में आपको देखने के लिए मिलने वाली हैं रश्मिका मंदाना। और उसके अलावा आपको देखने के लिए मिलेंगे भैया इसमें जो हमारे सत्यराज, भाई सत्यराज का इसमें बहुत ही अहम किरदार होने वाला है। तो ये साउथ के बहुत ही बड़े बड़े एक्टर इस फिल्म में हैं, तो इससे उम्मीदें बढ़ती हैं। और ये फिल्म भाई सलमान भाईजान का कमबैक कराएगी, भाई सलमान भाईजान का ये टर्निंग पॉइंट साबित होने वाली है फिल्म। और सिकंदर फिल्म के सेट से ही सलमान भाईजान ने एक बहुत ही बड़ी फिल्म का अनाउंसमेंट कर दिया था। आपको पता ही होगा कि किक 2 फिल्म का, यानी किक भाई आई थी 2013 के आसपास, तो भैया अब किक 2 आने वाली है। तो भैया किक 2 में आपको बहुत ही हार्डी चिक्सन देखने के लिए मिलेगा, यानी डेविल इज बैक, डेविल बैक हो चुका है। जो भाई सलमान भाईजान हमारे हैं वो बैक हो चुके हैं, भैया फाड़ेंगे बहुत ही तगड़ा वाला। जो उनकी मूवी आती है वो भाई 100-200 करोड़ रुपये तो आसानी से कमा लेती हैं, क्योंकि इतने बड़े सुपर स्टार हैं वो। अगर स्टोरी फिल्म की अच्छी हो गई तो फिल्म भाई 500-600 करोड़ में आसानी से चली जाती है। और यही सिकंदर के साथ होने वाला है। सिकंदर फिल्म 700-800 करोड़ में जा सकती है आसानी से, क्योंकि सलमान भाईजान अब की गैप दे गए हैं, उनकी 2024 में कोई फिल्म नहीं आई है। तो इससे अंदाजा भाई है कि ये फिल्म तगड़ा कमाई करने वाली है सिकंदर। और सिकंदर का आप लोग कितना वेट करते हो कमेंट में बोल सकते हो। सिकंदर के बारे में बहुत सारी अपडेट आती रहेंगी लखफंडोज चैनल पर, तो लखफंडोज को आप लोग सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपसे भैया अपडेट छूट जाएंगी। आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो। मिलते हैं आपको एक और ऐसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों। कमिंग सून नेक्स्ट वीडियो, साइन ऑफ।